मुस्लिम देश सऊदी अरब में पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल की खोज हुई, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मुस्लिम देश सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस साइट को खुद सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने ही खोजा है। इस खबर की जानकारी मिलते ही लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट करने लगे। सऊदी प्रेस एजेंसी की खबर के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम स्थित अल्फा में 8000 साल पुराने अवशेष मिले हैं, जो मंदिर के समान हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कभी अल्फा के लोग मंदिर में आकर पूजा और आराधना किया करते थे। साइट को देखकर ही मालूम होता है कि यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के जीवन में पूजा और अनुष्ठान का खास महत्व रहा होगा। बता दें, देश की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम इलाके के अल्फा की साइट पर यह जगह मिली है। सऊदी के नेतृत्व वाले कई देशों के पुरातत्वविदों की एक टीम ने साइट का व्यापक सर्वेक्षण किया है। इस स्टडी में हाई क्वालिटी की एरियल फोटोग्राफी, कंट्रोल पॉइंट के साथ ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग और कई अन्य सर्वे का भी इस्तेमाल किया गया है। इस साइट पर कई खोजों के साथ सबसे महत्वपूर्ण एक मंदिर है। यहाँ एक वेदी के कुछ हिस्सों के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट संकेत है कि यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में समारोह, पूजा और अनुष्ठान खास महत्व रखते थे। इस मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर है, जो माउंट तुआइक के किनारे पर स्थित है। इस खबर के सामने आने के बाद भारत में भी काफी चर्चाएं शुरू हो गई। लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि इन मंदिरों में किन की पूजा हुआ करती थी। खुदाई के नतीजे बताते हैं कि सऊदी अरब में एक समय एक ऐसी सभ्यता अस्तित्व में थी जो काफी हिंदू सभ्यता जैसी मिलती जुलती थी। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि ये हिंदू मंदिर था। हिंदू मंदिर होने का दावा कितना सही? यहाँ पुरानी यज्ञ वेदी मिली है। यज्ञ वेदी उसी दिशा में है जिस तरफ आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। अनेक ऐसे अवशेष मिले हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मानव बस्ती के अवशेष बताते हैं कि एक समय यहाँ इंसान रहा करते थे। यहाँ सामने आए धार्मिक शिलालेख बताते हैं कि उस दौर के लोगों को धर्म की भी कितनी समझ थी। नई टेक्नोलॉजी के जरिए नवपाषाणकालीन मानव बस्तियों के अवशेषों का पता लगाने में सफलता मिली है। इसके साथ ही पूरे स्थल पर 2807 कब्रें भी मिली हैं, जो अलग अलग समय की हैं। इन्हें 6 ग्रुपों में बांटा गया है। इस मंदिर के मिलने से पता चलता है कि यहाँ के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। इस मंदिर के अलावा पुरातत्व टीम को कई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग सिंचाई के लिए कैसे तकनीक का प्रयोग करते थे, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या किया करते थे। अब ये मंदिर हिंदू है या नहीं, और अगर है तो भारत से दूर ये सभ्यता कैसे पहुंची, फिलहाल इन सभी मामलों पर रिसर्च हो रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है।